How much बनाना? आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में हर किसी के पास बंदूक ले लेके चल रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है पूरा का पूरा। यहाँ पे सोलो ट्रेवलिंग तो बहुत ही रिस्की है। गधा गाड़ी, चारों तरफ गधे ही गधे दिख रहे हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ समारा में। समारा आप लोगों को पता होगा, मैं दाना के लिए डिप्रेशन को घूम के आया था। और अभी मैं समारा में, 3 दिन का हमारा ट्रिप था और आज मैं जा रहा हूँ एडिस अबाबा वापस। तो अभी है जो हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट हुआ ही है। अब इन लोगों को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। उड़ी, सी यू इन इजराइल, सी यू इन राजस्थान। राजस्थान, श्योर? But you've been to Rajasthan already. I'll be again. You'll be again? Yes. Oh, I'll take you every place. Rajasthan is very beautiful. And meet my guide Solomon. Namaste. Hi Solomon, how are you? Namaste. Everything is fine. Everything is fine. So, आज Solomon हमारे साथ last trip में नहीं था। आप लोगों को पता होगा हमारे साथ दूसरा Solomon था। इस भाई का नाम भी Solomon ही है और हमारे साथ जो साथ में था उसका नाम भी Solomon ही है। तो सोलोमन को अब बाबा ही बोलते हैं। सोलोमन ने हमारा सारा ट्रिप है जो सोलोमन ने अरेंज किया है। मैं सोलोमन की सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दूंगा वीडियो में। आप लोग यदि दाना ट्रिप करना चाहते हैं तो आप लोग सोलोमन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से समारा के लिए जाता हूँ, सॉरी समारा से एडिस अबाबा के लिए जाता हूँ। और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। सो उड़ी, आई एम गोइंग, सी यू अगेन। Solomon, bye bye, Tata. See you in Delhi or Bombay. See you, Delhi. Yeah, sure. Delhi or Bombay. Delhi or Bombay. I live near to Delhi. I live very, very, very close. Only 150 kilometers. Coming soon, I will be in there. Oh, sure, sure, see sure. You there, तो अभी है, ये है हमारा होटल और यहाँ से मुझे जाना है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा के लिए लगभग जो दूरी है ना, वो है यहाँ से 600 किलोमीटर। और 600 किलोमीटर लगभग 8 या 9 घंटे की जर्नी होगी हमारी। तो ये है जो होटल मैंने पहले भी दिखाई होगी आप लोगों को, जिसमें मैं ठहरा हूँ। आई एम ब्रिंगिंग माई फोन इज हियर। ओके, हाय, थैंक यू। मैंने क्या कि मेरा फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ था, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रहा था। तो वीडियो अपलोड क्या है कि अंदर जहाँ पे मैं खाना खा रहा था ना, वहाँ पे नेटवर्क नहीं था इतना कोई खास अच्छा। भाई यहाँ पे बाहर बहुत 5G है भाई इथियोपिया में। इंडिया में तो अब आया है 5G, इथियोपिया में बहुत पहले से 5G है। चाइना का कमाल देखो, इथियोपिया में 5G है। और ये जहाँ पे हम लोग जिस होटल में ठहरे ना, उस होटल के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। आप लोगों को यहाँ समारा में केवल एकमात्र होटल मिलेगा ऐसा अच्छा, बाकी सारे होटल है ना ऐसे ही मिलेंगे जर्जर अवस्था में। और समारा के यहाँ पे आप लोग यदि फ्लाइट से आना चाहते हैं तो समारा फ्लाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ से जो दाना के लिए डिप्रेशन है ना, वो लगभग 7-8 घंटे की दूरी है। रोड बहुत ख़राब है क्योंकि वहाँ पे मिलियंस, मतलब हजारों सालों पहले, मिलियन साल पहले मान लो, लाख साल पहले मान लो, वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो हुआ करते थे। तो लावा जमा हुआ, काले पत्थर है, उबड़ खाबड़। तो आप लोगों की बढ़िया एक्सरसाइज, मतलब बॉडी वार्म अप अच्छा खासा हो जाएगा यदि आप लोग दाना के लिए डिप्रेशन जाएंगे तो। तो आप लोग चलते हैं। अरे पप्पे, गुड मॉर्निंग, आर यू रेडी? नमस्ते बाबू जी, आर यू रेडी फॉर एडिस अबाबा? It will be a good day. Ready. Yeah. It will be for you a good day with Papi today. So yeah. I wish you all the best. See you. अब यहाँ से एडिस अबाबा तक जो रास्ता है ना, उसमें काफी सारी चीजें हैं देखने लायक, आप लोगों को दिखाते चलूंगा। कहीं डेजर्ट आएगा, कहीं सुनसान, कहीं लोगों ने घर छोड़ दिए। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी तिग्राई रीजन में, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको एडिस अबाबा के रास्ते पे। लेकिन इथियोपिया ना यार, इथियोपिया जबरदस्त कंट्री है। आप लोग आओ, यहाँ पे टूरिज्म का इतना स्कोप है, लेकिन ये पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों मतलब यहाँ के टूरिज्म को डेवलप नहीं करती। वैसे ये भी अभी कुछ दिन सालों तक यहाँ पे कोरोना चलता रहा, यहाँ पे यह सभी जगह चलता रहा। और फिर यहाँ पे तिग्राई रीजन में यहाँ पे वॉर का सबसे बड़ा पंगा ये है, यहाँ पे वॉर चलता रहता है यार। तो वो तिग्राई रीजन में जहाँ पे अभी हम लोग दाना के डिप्रेशन को घूम के आए थे ना, वहाँ पे है जो वॉर सिचुएशन, वहाँ पे हर बंदे के पास राइफल मिलेगी, वो बंदूकें मिलेगी यार, साला बंदा देखते ही डर जाए ऐसे ही।
और यहाँ पे आपको देखने को लग रहा होगा यार कि जो गधा गाड़ी होती है ना, गधा गाड़ी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये लोग। गधा गाड़ी, चारों तरफ गधे ही गधे दिख रहे हैं यहाँ पे। काफी आगे तक आ गए हैं लेकिन यहाँ ही पूरा डेजर्ट है। और यहाँ पे डेजर्ट के अंदर यार ये लोग ना कैसे रहते होंगे, देखो यहाँ पे वो देखो आपको गधे से सामान ले जाते हुए दिख रहे होंगे लोग। और ये ऐसे टिन रखते हैं यार, ये टिन के घर बना के रखते हैं। अभी टिन में कैसे रहते होंगे, एक तो गर्मी ऊपर से इतना पड़ता है और फिर टिन के घर, टिन के घरों में कैसे सर्वाइव करते होंगे पता ही नहीं यार। आपको ये जो घर दिख रहे हैं सामने, सारे के सारे घर खाली पड़े हैं, ज़्यादातर घर इनमें से खाली पड़े हैं। ये खाली इसलिए पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे तिग्राई रीजन में हमेशा वॉर सिचुएशन बनी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई वगैरह चलती रहती है। तो आधे से लोग, तो आधे से ज़्यादा लोग तो ये देखो ये तो पूरे ही खाली पड़े हैं, तो ये लोग यहाँ से खाली करके चले जाते हैं लड़ाई चलने की वजह से। वाले जा रहे हैं, उनके पास दो बंदूकें रखी है। यहाँ पे हर बंदे के पास बंदूक मिलेगी, मतलब मैक्सिमम जो लोग घूमते हैं ना बाहर, उनके पास यहाँ पे बंदूकें मिलेगी सबके पास। माय गॉड, ट्रक की हालत देखो भाई क्या हो रखी है। अभी लगभग 3 घंटे हो गए हमें समारा से निकले हुए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में हर किसी के पास बंदूक ले लेके चल रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है पूरा का पूरा। यहाँ पे सोलो ट्रेवलिंग तो बहुत ही रिस्की है इस एरिया में, दानाकिल डिप्रेशन या फार रीजन है। यहाँ पे सोलो ट्रेवलिंग तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप लोग सोलो ट्रेवल करने हैं यहाँ पे। लेकिन जो भी जाता है ना ग्रुप में ही जाता है, दानाकिल डिप्रेशन को जो भी घूमने जाता है ना वो ग्रुप में ही जाता है। मैं भी ग्रुप में ही गया था, लेकिन जो वो आप लोगों ने देखा उड़ी और गड्डी दोनों के दोनों, गड्डी गया वहाँ पे शायद होमो वैली गया और उड़ी जा रहा है सीमेन माउंटेन जा रहा है। और यहाँ पे देखो ये कोयला ये बेचते हैं ये लोग, और एक कार ड्राइवर है शायद इसको कोयले चाहिए, कोयले खरीद रहा है हमारा कार ड्राइवर। पप्पे एक कट्टा 300 बीर का है। और यहाँ पे देखो यार ये आप लोगों ने देखा ऐसे दो दो ट्रक को जोड़ के चलते हैं ये लोग, तो बीच में तीन या चार ट्रक तो हमें पलटे हुए मिल गए। ये बहुत रिस्की होता है यार, पीछे वाला तो ऐसे झूलता झूलता चलता है, कभी भी पलट सकता है। ये देखो 3-4 एक्सीडेंट तो देख लिया हमने, बस यही सेम ट्रक दो दो ट्रक जोड़ रखे हैं और पीछे वाला पलटा रहा, आगे वाला अपने आप ही पलटेगा। अभी हम लोग यहाँ पे एक बड़े से टाउन में पहुंच गए, पहली बार इतने मतलब कितना चल गए 400 किलोमीटर चल लिए हैं, पहली बार कोई बड़ा टाउन देखने को मिला है। वही सबाट। आप थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, थोड़े से फ्रूट वगैरह परचेज कर लेता हूँ। पहली बार कोई बड़ा टाउन मिला है इतनी दूरी में। ये देखो ये है यहाँ पे कोई बड़ा टाउन, यहाँ से बनाना वनाना परचेज करूँगा मैं। आवाज ना वही जगह का आवाज बनाना, हेलो बनाना, हाउ मच बनाना, अब
भाई इसकी लैंग्वेज भी मेरे को समझ में नहीं आती, यहाँ पे इंग्लिश का लपड़ा है, इंग्लिश कोई नहीं बोलता है। और ये देखो यहाँ पे भीड़ भड़ा का कुछ ज़्यादा ही, उधर छाट वाट खा रहे हैं शायद, छाट बिक रही है उधर। 75 1 किलो, या वी कैन टेक 1 किलो। व्हाट अबाउट दिस? I don't eat chaat. I don't eat. No. Why? Okay. वो चाट बेच रहे, बोले चाट चाट चाट। मैंने बोला भाई चाट तो मैं खाता ही नहीं, चाट का बड़ा क्रेज है यहाँ पे। यहाँ पे लोग दारू वारू पीने की बजाय ना बस वो चाट से करते हैं नशा, बाकी चाट से ही काम चला लेते हैं खुद का। हर बंदा चाट खाता हुआ मिलेगा यहाँ पे आपको। और यहाँ पे देखो कोई भी यदि बस रुकती है ना तो वो किसी होटल वगैरह पे नहीं रुकती, बाथरूम वगैरह करने के लिए बस ऐसे खुले में ही रोकते हैं। जैसे ये लोग अभी सारे के सारे बाथरूम करके आ रहे हैं। मेरा भी बहुत बार एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे खुले में बाथरूम करने का अफ्रीका में। अब हम लोग एंटर कर गए अडिस अबाबा में। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं एडिस अबाबा, जहां पे मैं पहले हॉस्टल में रुका था ना वहीं आ गया हूं। और यहां पे थोड़ा सामान वामान रख दूं, फिर मेरा हॉस्टल कुछ ऐसा है यहां पे सामान वगैरह रख दूं और फिर मैं जाऊंगा यहां पे पास में इंडियन रेस्टोरेंट पहले भी देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ पर खाना खाने जाऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा चेक इन वगैरह कर लूँ यार, बैग वगैरह रख देता हूँ यहाँ पे, भूख लगी है ज़बरदस्त। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट का खाना है। अब मेरे जो हॉस्टल मैंने ले रखा है ना उसके पास में इंडियन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जाओ इंडियन खाना खाओ बस। यहाँ पे खाना वाना ऑर्डर कर दिया है हम लोगों ने। वैसे खाने वाने की प्राइस वगैरह मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ यार, काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल्स वीडियो बनाया था खाने वाने की प्राइस के बारे में, बस अब थोड़ा खाने पर ध्यान देते हैं। वैसे यहाँ पे खाना कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं है। अभी मैं खाना पीना खा के और बाहर आ गया हूँ और यहाँ से मुझे मनी एक्सचेंज करवानी है ब्लैक मार्केट से, यहाँ पे ब्लैक मार्केट चलता है तो यहाँ से मुझे मनी एक्सचेंज करवानी है ऊपर से। अभी चलते हैं खाना पीना खाने, मेरे पास क्या है कि पैसा पूरा ख़त्म है। हाय हाउ आर यू? वहाँ से अभी मनी एक्सचेंज कराया, मनी एक्सचेंज है मेरा हो गया है और 95 डॉलर का मुझे मिला 95 रुपये, जो कि यार काफ़ी ठीक ठाक है। वैसे मार्केट में जाओगे तो मैं पहले बहुत बार बता चुका कि आपको 53 रुपये ही मिलेंगे। आप लोगों को किसी को यदि इथियोपिया आना हो और मनी एक्सचेंज करानी हो तो कमेंट में बता देना या इंस्टा पे DM कर देना, मैं उस बंदे का नंबर आपको शेयर कर दूंगा यदि कोई इथियोपिया आ रहा हो और ब्लैक से मनी एक्सचेंज करवाना हो आप लोगों को। तो आज मैंने थोड़े कम ही करवाए, आज मैंने $70 ही एक्सचेंज करवाया, $70 का मुझे लगभग 6500 मिला है। तो क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला यहाँ पे इथियोपिया में, मैं 2-4 दिन में निकल जाऊँगा। अभी शाम का खाना पीना हो गया पूरा और मैं वहाँ पे वो रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे चिल्ली जेडिस उसमें खाना पीना खा के वापस अपने हॉस्टल को जा रहा हूँ। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम भी आ गया है, इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।